आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। मध्य प्रदेश शासन की योजना में भ्रष्टाचार, सचिव पर कार्रवाई की मांग। हरसूद जनपद की ग्राम पंचायत कोड़िया खेड़ा में सचिव ने भ्रष्टाचार की सारी हदें की पार। संबल योजना के हितग्राहियों की अंत्येष्टि सहायता राशि का कर गया गबन, हितग्राही लगा रहे गुहार। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा गरीबों के लिए बहुत योजनाएं चलाई गई, जिसमें एक योजना संबल योजना भी शामिल है, जिसमें पात्र हितग्राही की मृत्यु के समय उसी समय घर जाकर पंचायत को 5,000 की नगद सहायता राशि, बाकी अन्य राशि के लिए कागज लेना होते हैं। लेकिन हरसूद जनपद की ग्राम पंचायत कोड़िया खेड़ा में सचिव ने इस योजना को भी अपने भ्रष्टाचार का साधन बना लिया। जानकारी अनुसार दिसंबर माह से जनवरी माह तक 3 हितग्राहियों की मौत हो गई, जिनको सहायता उसी समय देना थी, लेकिन 4 महीने बीत जाने और सचिव के द्वारा राशि निकालने के बाद भी 3 में से सिर्फ 1 हितग्राही को, वो भी राज्य मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के फटकार के बाद, राशि दी गई। बाकी बचे 2 हितग्राही, जिसमें एक महिला पंचायत के अंतर्गत आने वाली भिलाई गाँव की है, दूसरा पुरुष कोड़िया खेड़ा का है, उनकी राशि निकालने के बाद भी आज तक सचिव के द्वारा नहीं दी गई। हितग्राही संबल योजना की राशि को लेकर लगातार गुहार लगा रहे हैं और सचिव से कई बार गुहार लगा चुके हैं। सचिव ने राशि हजम कर ली और डकार ली। ललित दुबे, ओंकारेश्वर की रिपोर्ट। 12 महीने में हमारा भाई शांत हो गया, अभी तक उसकी राशि नहीं मिली, पैसे नहीं मिले। अभी तक जो मृत्यु का पैसा मिलता है 5,000 रुपये, वो सचिव निकाल के खा गया सर। हमारी कोई देखभाल नहीं हो रही है और अभी तक उसका जो पैसा मिलता है मृत्यु का 2-2.5 लाख रुपये, वो भी अभी तक नहीं मिला है। हम गरीब लोग हैं सर, इसका कोई लाभ दो हमारे को। अंतनी राशि मेरे द्वारा सचिव को 15,000 रुपया 16 मार्च को दी गई है। मेरे खाते से मैं ट्रांसफ़र कर दिया था सचिव खाते में। अब लोगों के बार बार शिकायत आ रही मेरे पास, सचिव दिए नहीं दिए, उसके जवाबदार सचिव जाने। मेरे द्वारा 15,000 रुपया मैंने ट्रांसफ़र कर दिया था सचिव खाते में।